रेज़र, यस, फर्स्ट टाइम मैं इस टाइप के प्रोडक्ट्स कुछ में यूज़ करने वाली हूँ और आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग भी मेरी तरह न्यू हैं रेज़र यूज़ करने में, तो क्योंकि बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी औरतें अभी भी अपने बिकनी एरियाज़ को अभी तक नहीं वो समझ पाई हैं कि उन्हें क्या यूज़ करना चाहिए एक्चुअली में। तो मुझे बहुत अफोर्डेबल ये मिल गई थी एक्चुअली पर्पल से। तो ये है एक कारमेसी बिकनी रेज़र फॉर वुमेन, यस। तो मोस्टली क्या होता है कि पार्लर्स में हम जब भी जाते हैं तो पार्लर्स में बिकनी एरिया भी वो लोग शेव करते हैं या वैक्स करते हैं। वैक्स तो एक्चुअली नहीं कराना चाहिए, आई रियली डोंट फेवर, बट मैं सोचती हूँ कि अगर बिकनी एरिया है तो आप रेज़र का अपने से खुद से यूज़ करो, ना कि पार्लर में जाके अपने टाइम को किल करना या किसी और से कराना। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। तो इसलिए मैं सोची कि मैं खुद से ही इस बार फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी रेज़र। सो तो मैंने पर्पल से ये ऑर्डर किया है एक्चुअली कारमेसी बिकनी रेज़र, इट्स फॉर फ्रॉम जापान। तो ये जापान से बना हुआ है, इट्स नॉट अ चाइना प्रोडक्ट। पहली बात, सबसे पहली बात ये है, इट्स अ जापान प्रोडक्ट कारमेसी बिकनी रेज़र। आप देखो इसकी जो रेंज है वो मैं आपको बता देती हूँ पहले ही, 149 रुपीज़ का ये आपको पर्पल पे मिल जाएगा। मैंने पर्पल से ये ऑर्डर किया है और ये मुझे 5% और 10% डिस्काउंट में मुझे 126 या 129 रुपीज़ का ये मुझे मिल गया था। ओके, सो इसका मैं आपको बता देती हूँ, ये वन पीस है और इसका फुल नेम कारमेसी बिकनी रेज़र फॉर वुमेन ओनली, नॉट ओनली, इसे यूज़ कर सकती हैं लड़कियाँ औरतें फॉर इरीटेशन फ्री शेविंग ऑफ बिकनी लाइन। तो इनका ये कहना है कि इरीटेशन आपको नहीं होगा अगर आप इससे आप यूज़ करोगे तो। और इसमें चार चीज़ें बनी हुई है, जैसे कि नैनो प्रिसिशन शेप, स्टेनलेस स्टील, सेफ्टी ब्लेड एंड प्रोटेक्टिव कवर। तो छोटी से छोटी जो बारीकी होगी वो भी ये हटा देगा, पूरी जड़ से ख़त्म कर देगा। सबसे पहला ये है नैनो प्रिसिशन सेफ में, एंड सेकंड इसका है स्टेनलेस स्टील है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सेफ्टी ब्लेड है, ब्लेड इनका बहुत ही सेफ्टी वाला है, एंड प्रोटेक्टिव कवर, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये फर्स्ट आपका ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। सेकंड पे मैं आती हूँ, सेकंड में इनका दिया हुआ है, आप देख लो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, जो उन्होंने आगे बताया वो उन्होंने पीछे भी दिखाया है। तो सेम टू सेम वही बात उन्होंने कही है, प्रोटेक्टिव कवर है, कीप्स डर्ट एंड इम्प्योरिटीज अवे। ओके, जापानीज नैनो प्रिसिशन ब्लेड अलाउज वन स्ट्रोक प्रिसिशन शेप, वन स्ट्रोक में ये बहुत अच्छी शेप हो जाएगी, इनका ये दावा है। ओके, सेफ्टी कॉम्ब है, अवॉइड स्निक्स एंड कट्स। तो सेफ्टी बहुत अच्छी इनकी है, कट्स जो है नहीं होंगे। एंड फोर्थ, एर्गोनॉमिक हैंडल, प्रोवाइड्स अ फर्म ग्रिप वाइल्ड शेविंग। तो एक बहुत अच्छी ग्रिप आपको मिलेगी इसकी बॉडी में, जब ये मैं ओपन करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। एंड इसका लास्ट में दिया हुआ है, मटेरियल ऑफ मेक स्टेनलेस स्टील है, जेनरिक नेम बिकनी रेज़र है, एंड प्रोडक्ट डायमेंशन 40 mm × 110 mm। ओके ओके, कस्टमर केयर डिटेल्स, बैच नंबर, ओके, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, एंड यस, यहाँ पे नॉन प्रिसिशन ब्लेड, मेड इन जापान, ये इनका पूरा यहाँ पे मेंशन है। एंड ये मैं पार्ट पढ़ती हूँ, हाउ टू यूज़, इसे कैसे यूज़ करना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। चलिए मैं आपसे डिस्कस, मैं आपको बताती हूँ। वॉश योर बिकनी एरिया विथ वाटर, ओके। सेकेंड, होल्ड योर स्किन टाइट एंड ग्लाइड द रेज़र डाउनवर्ड, मतलब आपको वो एरिया जो है पानी से साफ कर लेना है, एंड देन बहुत टाइटली आपको उस एरिया को पकड़ के देन आपको डाउनवर्ड्स आपको शेव करना है। ओके, थर्ड है, वॉश द एरिया थॉरली, इसमें कुछ अप्लाई नहीं करना है, बस वाटर से थॉरली वॉश कर लेना है और हल्के हल्के उसे सोख लेना है। वॉश द ब्लेड यूजिंग अ डिसइंफेक्टेंट एंड प्लेस द प्रोटेक्टिव कवर बैक ऑन। तो एक बार यूज़ करने के बाद उसे अच्छे से उसे वॉश करके उसके प्रोटेक्टिव कवर को उसमें लगा लेना है और फिर से उसे उस तरह से उसे यूज़ करना है। एंड
इसमें कुछ भी आपको यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी साबुन या सोप या कुछ भी ऐसा, कुछ जेल वेल यूज़ करने की इसमें आपको कोई नीड नहीं है। तो इट्स बहुत ही सिंपल तरीके का ये है। चलिए मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी खुद ओपन नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैं आप लोग के सामने इसे ओपन कर रही हूँ। यस, दिस इज़ द प्रोडक्ट। ₹130-129 में क्या मिल जाएगा? सो यस, दिस इज द बिकनी रेजर। तो दिस इज़ द कवर, इस कवर की मैं बात कर रही थी आपको। आई होप मेरी वीडियो पूरी आपको समझ में आएगी। तो चलिए मैं इसे यूज़ करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, बने रहिएगा। यस, तो मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आप लोग के सामने ये प्रोडक्ट लेके। क्यों? क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आप इससे मिस कर दोगे ना, तो एक बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल चीज़ आप मिस कर दोगे। क्योंकि इसने जो बात बताई है ना, ये बिल्कुल ही अपने बात पे ये अमल करती है। जी हाँ, नैनो से नैनो ये आपके हेयर्स जो है वो निकाल देती है। मैंने इसे अभी यूज़ करके मैं आपके सामने आ गई हूँ एक बार फिर से। तो ये बहुत ही एक अच्छी प्रोडक्ट है। आई एम क्वाइट सरप्राइज कि ये मुझे मिल गई। इसकी रिव्यू मैंने एक्चुअली पर्पल से मैंने देखी है इसकी रिव्यू, इसलिए मुझे ये खास पसंद आई है, क्योंकि इसकी रिव्यू भी बहुत ही अच्छी थी और इस वजह से ये मैंने इसे लिया। और जब मैंने इसे यूज़ की हूँ, तब भी इसकी जो जो ये बात इसमें कही है, इसके बॉक्स पे जितनी भी सच्चाई लिखी हुई है, ये सब सच्चाई ये दिखाती है। जी हाँ, आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा आपके स्किन को सॉफ्ट कर देती है। नैनो से नैनो हेयर निकाल के आपके जो स्किन है ना, प्योरली पूरी तरीके से स्मूथ कर देती है। रियली इट्स वंडरफुल प्रोडक्ट इन ₹149 और ₹129। यस, मुझे ये काफ़ी पसंद आई है ये प्रोडक्ट। एंड इसमें आपको कहीं से भी कोई कट्स नहीं लगेंगे। आप चाहे अपवार्ड कर सकते हैं, आप चाहे डाउनवार्ड कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मैं पहली बार रेज़र यूज़ की हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आई है, क्योंकि इसके पहले मैं रेज़र बहुत यूज़ की हुई हूँ। बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं नोन ब्रांड्स के रेज़र की मैं बात कर रही हूँ, जो कि बहुत हार्ड टाइप के होते हैं और कम रेंज के होते हैं, बट बहुत हार्ड होते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा देर तक उसे आप झेल नहीं पाओगे और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है ये सारी चीज़ें करने में। मुझे मात्र 5 और 10 मिनट्स के अंदर, बहुत कम टाइम में, 5 मिनट्स मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगे इसे यूज़ करने में, एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी रिजल्ट ये दे रहा है। मैं आपको शेयर नहीं कर सकती, बट मैं आपसे ज़रूर एश्योर करती हूँ कि ये प्रोडक्ट है बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई है। आई एम श्योर एक बार आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीट नहीं लगाना चाहिए, एंड लोहे के प्रोडक्ट तो हमको अपने स्किन पे यूज़ करने नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं यूज़ करती थी ट्रिमर। तो ट्रिमर क्वाइट अफोर्डेबल नहीं होता, बट हम यूज़ कर लेते हैं ट्रिमर। इट्स वेरी इजी फॉर डूइंग सच थिंग्स लाइक बाल निकालना, हेयर कटिंग करना, बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रेज़र पे जाते हैं। तो रेज़र हमें उतने अच्छे टाइप के मिल नहीं पाते, अच्छे क्वालिटीज़ के नहीं मिल पाते, तो हम नहीं उसे यूज़ कर पाते। बात आती है वीट की। वीट हम अक्सर अपने बॉडीज़ पे यूज़ करते हैं, बट वीट हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा सलोन वाले भी बताती हैं और पार्लर वाले भी बताती हैं, क्योंकि उससे आपकी स्किन जो है ना, बहुत डार्क हो जाती है, बहुत बहुत ब्लैक हो जाती है। तो हमें वीट नहीं यूज़ करने चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि बहुत अफोर्डेबल रेंज में मुझे ये प्रोडक्ट मिल गई थी, रेज़र, कारमेसी रेज़र, ₹149 और ₹129 में। ये बहुत अच्छी रेज़र आपको मिल जाएगी मार्केट में और ऑनलाइन पे, तो आपको एक बार इसे ज़रूर परचेस करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।